of Standard 9. A truly beautiful mind. Whom do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? Genius word सुनने के बाद आप क्या सोचते हो या किसके बारे में सोचते हो? और genius होने के लिए कौन सी या कैसी quality होनी चाहिए एक genius में? Okay, let's go ahead. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession four groundbreaking papers about light. The Paragraph 1. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a brick. यानी कि वो we can say that word used disapprovingly to talk about a person who is unusual. किसी के साथ बातें बहुत नहीं करता है या मिक्सअप नहीं होता है जैसे. To her, his head seemed much too large. उसका जो head था वो भी बहुत ही बड़ा था. उसकी जो born है उसका born 14th March 1879 जर्मन की सिटी में, ये उल्म सिटी में हुआ था. ये सब दिखाया है यहाँ पे. अभी आगे देखते हैं. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. 2.5 एज थी तब तक उस कुछ बोलता नहीं था वो, या वो कुछ बोल नहीं सकता था, कुछ सीखा नहीं था. जैसे कि सीखा वो ही दोबारा टू टाइम बोलता था, ट्वाइस अगेन एंड अगेन. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. सभी उसके जो फ्रेंड्स है वो उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" Look, सब उसको जैसे mechanical ही लगता था, उसको mechanical toys ही अच्छे लगते थे. और उसकी newborn sister हुई थी, उसका name था Maza, तो उसको देख के ही वो क्या बोला कि उसका wheel कहाँ पे है, उसके wheels कहाँ पे है. देखो यहाँ पे कुछ और information है, वो पहले हम देखेंगे. ये दो paragraph तो finish हो गए, लेकिन ये क्या है? Otto Neugebauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes a legend. उसको legend कहा गया है, but that seems fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried. बहुत ही बाद में लगी, बहुत ही टाइम लगा उसके बाद ही बोलना शुरू किया उसने. पेरेंट्स उसके वरिड थे. एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक ही साइलेंस टू से द सूप इज टू हॉट. उसने अपनी साइलेंस ब्रेक की और एक बार ये बोला, जब वो सपर यानी कि डिनर कह सकते हैं, तो डिनर ले रहे थे तब उसने क्या बोला, द सूप इज टू हॉट. ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर. पहले ऐसे कुछ इसने बोला नहीं था. अल्बर्ट रिप्लाइड, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर. Up to now everything was in order. अभी order में ही सब कुछ चलेगा, यानी कि पहले क्यों कुछ नहीं बोला, यानी कि तो उसने क्या reply दिया, अभी सब कुछ order में ही चलेगा, like चलता आया हो जैसे. अभी आगे देखते हैं जो कि second paragraph का half part. यहाँ पे yes, ये दोनों finish हो चुके हैं. अभी now we go forward to the third paragraph. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success anything. अभी क्या होता है यहाँ पे, उसके जो headmaster थे स्कूल के, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में कि वो जो भी चूज करेगा यानी कि उसका प्रोफेशन वो सक्सेस नहीं होगा. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later become a gifted amateur, यानी कि some personal enjoyment के लिए, profession के लिए नहीं, लेकिन वो personal enjoyment कर सके.
तो उसकी मदर ने उसको, उसकी मदर चाहती थी कि वो सीखे, तो 6 एज में वो सीख गया या उसने शुरू किया है, वैसे हम कहेंगे वायोलिनिस्ट बन गया। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, उसने ये स्किल मेंटेन की उसकी पूरी लाइफ में। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड था तब उसकी जो फैमिली है वो मूव हुई थी कहाँ पे, म्यूनिच में, हाई स्कूल में वो पढ़ता था। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स भी बहुत ही गुड थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन यानी कि डिसिप्लिन, क्योंकि स्ट्रिक्ट फॉलो करें, स्ट्रिक्टनेस फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करवाते हैं, दैट थिंग ही डिडंट लाइक और ही हेटेड। ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, क्लैश हो जाता था टीचर के साथ। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, स्टिफल्ड यानी कि अनेबल ब्रीथ, वो ब्रीथ भी सफोकेटेड हो जाता था ये सबसे। देयर दैट ही लेफ्ट स्कूल फॉर गुड, वो बहुत ही सफोकेटेड हो गया और उसने स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान सिटी है ये, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, उनके पेरेंट्स मूव हो चुके उसको रिलेटिव्स के पास छोड़। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत ही लॉन्ग डिस्कशन हुआ, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच। बहुत ही लंबा डिस्कशन हुआ, उसके बाद उसकी विश है, जो क्या विश है कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड की ये सिटी है वहाँ पे वो एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता है, यानी उसको म्यूनिच में नहीं जाना है, उससे ज़्यादा लिबरल जो सिटी है उसमें उसको अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना है। तो उसको परमिशन तो मिल गई है। अभी हम आगे देखते हैं उसकी लाइफ में आगे क्या होता है। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। उसका जो एजुकेशन है, स्कूल लाइफ फिनिश हो चुका है, उसकी यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसने कहाँ पे जाना चूज किया है, ज्यूरिच में। और यहाँ पे वो मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड था और उसका इंटरेस्ट भी फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मॉस्टिच। ये थोड़ा जैसे कि उसकी जो मॉस्टिच है, वॉलरस मॉस्टिच को सूट नहीं करा था, जैसे कि वो जो साइंस है जो कि उसमें फिट नहीं हो रहा था डैशिंग पर्सनालिटी के साथ। यहाँ पे दो पिक्चर दी गई है उसकी, देख सकते हैं आप। आइंस्टाइन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेम्बर हिम नाउ, अभी हम जिसको जानते हैं अभी तक वो यही पिक्चर हमें पता है। तो अभी वो एक कैसा बाद में दिखता था और पहले 21 का था, यंग था बहुत, तब वे कैसे दिखता था, तो पिक्चर्स यहाँ पे दी गई है। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick. उसको जो उसके साथ था, जो स्टूडेंट था, Mileva Merrick, उसमें भी उसको इंटरेस्ट था। Whom he found to be a clever creature. उसको वो क्लेवर क्रिएचर जैसे लगते। This young shog had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe. बहुत ही कम में है ये university, यानी कि बहुत ही famous और popular कह सकते हैं Europe की, where women could get degree. वो भी degree वहाँ पर ले सकती है। Einstein saw in her an ally against the Philistines. यानी कि Philistines, यानी कि यहाँ पे ally का मतलब है friend. एसोसिएट, वो एक फ्रेंड उनको वहां पे मिली। और जो यहाँ पे दूसरा वर्ड है फिलिस्टाइन, यानी कि वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक। वो जो अगेंस्ट था आर्ट और लिटरेचर और म्यूजिक के अगेंस्ट था, तो यहाँ पे क्या होता है, अगेंस्ट द फिलिस्टाइन दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विथ हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स। वो उसके साथ कॉन्स्टेंटली है क्या, जो कि वो क्या थी, लिटरेचर म्यूजिक आर्ट में थोड़ी ऑपोज थी, उस डिसअप्रूव, यानी कि उनको अच्छा नहीं लगता उसके बारे में,
लेकिन उसके साथ उन्होंने कंटिन्यू किया। द कपल फेल इन लव, साथ में पढ़ते थे, फ्रेंड बने और ये कपल है जो कि दे आर फेल इन लव। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, यानी कि अभी तो पहले तो लेटर्स में थे, तभी उन्होंने बाद में उनके वर्ड्स को क्या किया, उन्होंने उनका जो अफेक्शन था उनको वर्ड्स में कन्वर्ट किया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साइंस को उन्होंने थोड़ा लव में यानी कि जो अफेक्शन है उसमें मिक्स हुआ। रॉट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई टेल वी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। दोनों साथ में वर्क करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था, जैसे कि प्राउड फील होता था जिन्होंने साथ में वर्क करते थे इसके बारे में, जैसे रिलेटिविटी टू विक्टोरियस कंक्लूजन। बाद में दोनों साथ में वर्क करते थे, बाद में उनका जो कंक्लूजन है यानी कि उसका जो कंक्लूजन कैसा आता था, जैसे कि विक्टोरियस कंक्लूजन होता था जब भी वो दोनों साथ में वर्क करते थे। आगे जाते हैं, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई अनएम्प्लॉयड था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट में वर्क किया, गेव प्राइवेट लेसंस एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट पेटेंट ऑफिस जो कि बर्न में है वहां पे उन्होंने उनकी क्या पोजीशन थी, टेक्निकल एक्सपर्ट उन्होंने जॉब। व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। वहां पे उनको क्या करना था, एक्चुअली सपोज टू बी असेसिंग, दूसरे लोगों की जो इन्वेंशन थी उसको असेस करना, लेकिन वो सीक्रेटली क्या करता था, अपने आइडियाज को डेवलप करता था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, क्योंकि जो Bureau of Theoretical Physics ये उसके बारे में ये सब work चल रहा था, तो उन्हें jokingly उनको उनके जो desk drawer थे उनको ये कह दिया, joke करते हुए, जैसे कि the Bureau of Theoretical Physics के बारे में, और ये उसके बारे में ये साथ में ये लोग work करते थे, that is the paper work, यानी कि उसके बारे में theoretical work हो रहा था। इसका हम आगे देखेंगे ये क्या है।